ग्रन्थकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नमपि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मपि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञं प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण 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 हिंदी समझते हैं। अच्छा, समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमति मातृशक्ति, आप मान भावों ने अद्भुत अपनत्व, आस्था, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन में और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, भारत विश्व का हृदय है। साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी का यहाँ अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जैसे ज्ञानावतार आचार्य के रूप में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। दक्षिण भारत का अद्भुत महत्व है। श्री निम्बार्काचार्य महाभाग, श्री मध्वाचार्य महाभाग, श्री रामानुजाचार्य महाभाग, श्री वल्लभाचार्य महाभाग और भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग दक्षिण भारत से संबद्ध आचार्य हुए हैं और इन्होंने अखंड भारत में वैदिक सिद्धांत को उद्भाषित किया। वेदों को परम प्रमाण मानने वाले ये आचार्य हुए हैं। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थान्वित ये आचार्य हुए हैं। भगवान के अर्चा विग्रह और अवतार में आस्थान्वित ये आचार्य हुए हैं और वेदों के तात्पर्य को उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र के आधार पर
अपनी अपनी उज्ज्वल विधा से उद्भाषित करने वाले ये आचार्य वे हैं। हमारा आपका दायित्व है कि इन वैदिक आचार्यों के द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुगमन कर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें। देहात्मवाद से भावित जो विकास की परिभाषा है और उसके क्रियान्वयन की विधा है, उसके गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। ऐसी स्थिति में इस रॉकेट कंप्यूटर एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य महर्षियों के द्वारा प्रदत्त चिर परीक्षित और प्रयुक्त सिद्धांत ही पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जो केवल लौकिक उत्कर्ष के पक्षधर हैं, उनका भी दायित्व होता है कि वे लौकिक उत्कर्ष की जो सनातन विधा वैदिक महर्षियों के द्वारा प्रदत्त है, उसको आत्मसात करें। कारण क्या है? भले ही कोई चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानता हो, लेकिन शरीर की संरचना का उसे पूरा विज्ञान नहीं होता है। भले ही कोई स्वयं को भौतिकवादी के रूप में ख्यापित करता हो, लेकिन पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन इन चार भूतों में भी उसकी मेधा शक्ति की गति नहीं होती है। मैंने संकेत किया कि भौतिकवादी भूतों के आधार पर तो कहे जाते हैं, लेकिन भौतिकवादियों को भूतों का भी ज्ञान ठीक से नहीं होता। प्रायः भौतिकता की धारा में बहने वाले आकाश का अस्तित्व मानते ही नहीं, कदाचित मान भी लें तो आकाश की भी उत्पत्ति होती है, समय पर आकाश का भी विलय होता है। इस सिद्धांत को भौतिकवादी आत्मसात नहीं कर पाते। जीवन की संरचना किस प्रकार होती है, इसको भौतिकवादी नहीं समझ पाते। श्रीमद् भगवद् गीता के 13वें अध्याय में प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र का संदेश और उपदेश है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रगीति तद्विदः। यह शरीर तो क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्रज्ञ, इसका नियामक, इसका दृष्टा, ज्ञाता, प्रयोक्ता, उद्भाषक क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। लेकिन आगे भगवान ने क्षेत्र का समग्र स्वरूप उद्भाषित किया। वेदांत गर्भित सांख्य का आलंबन लेकर मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति घट को मानता और जानता हो, लेकिन घट के उपादान कारण का और उस उपादान के उपादान कारण का अनुसंधान वह करने लगेगा तो प्रश्न उठता है कि घट को विराम कहाँ जाकर प्राप्त होगा। घट का उपादान कारण मृत्तिका है,
मृत्तिका का उपादान कारण नारायण, ठीक, जल है, जल का उपादान कारण तेज है, तेज का उपादान कारण वायु है, वायु का उपादान कारण आकाश है, आकाश का उपादान कारण अगर सांख्य प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो अहं तत्व है, अहं तत्व का उपादान कारण महत्तत्व है, महत्तत्व का उपादान कारण प्रकृति प्रधान या अव्यक्त है। अब वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो उस प्रकृति प्रधान या अव्यक्त का भी उत्पत्ति स्थान, स्थिति स्थान, लय स्थान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है। हमने एक उदाहरण दिया छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय की शैली में, एक घट को भी जानना चाहें, घट की भी पूरी मीमांसा करें तो परमात्मा तक हमको पहुंचना होगा, आत्म तत्व तक हमको पहुंचना होगा। इसका अर्थ है कि कोई भी भौतिकवादी जो चेतना विशिष्ट शरीर तक ही अपनी मेधा शक्ति को सीमित किए हुए है, एक कण का भी ज्ञान ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि हर वस्तु का पर्यवसान कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही सिद्ध है। ऐसी स्थिति में ज्ञान विज्ञान की पूर्णता भी वैदिक प्रस्थान को विशेषकर औपनिषद सिद्धांत को मानने पर ही संभव है। एक तृण भी है, उसका पूर्ण विज्ञान कब होगा? जब तृण का आलंबन लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी का आलंबन लेकर जल तक, जल का आलंबन लेकर तेज तक, तेज का आलंबन लेकर वायु तक, वायु का आलंबन लेकर आकाश तक, आकाश का आलंबन लेकर अहम तत्व तक, अहम तत्व का आलंबन लेकर महत्तत्व तक, महत्तत्व का आलंबन लेकर अव्यक्त प्रकृति या प्रधान तक। और वेदांत प्रस्थान में वह अव्यक्त प्रकृति भगवान की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति का नाम ही प्रकृति है निरालंबोपनिषद के अनुसार। अंत में उस प्रकृति का आलंबन लेकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और बहुत ही दिव्य संदेश और उपदेश है कि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वह परमात्मा कोई अन्य नहीं, प्रत्येगात्मा स्वरूप ही सिद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु का उदयस्थान, निलयस्थान, विलयस्थान साक्षात या परंपरा से आत्मतत्व ही है। अतः तैतरीय उपनिषद ने उद्घोष किया, तस्माद् व ए तस्मादात्मना आकाशसंभूतः। आकाश की भी उत्पत्ति जिससे होती है उसका नाम आत्मा है। महाभारत अव्यक्तोपनिषद आदि के अनुसार विचार करें तो अव्यक्त प्रकृति या प्रधान का भी जो उद्गम स्थान है उसी का नाम परमात्मा या आत्मा है, आत्म तत्व स्वरूप से दृष्टा है, और उसके बिना किसी भी व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। एक सार्वभौम सिद्धांत है, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है, जो भी जड़ वस्तु है वह जड़ के लिए नहीं है, किसी चेतन के लिए है, खटाई खटाई के लिए नहीं, मिठाई मिठाई के लिए नहीं, चटाई चटाई के लिए नहीं, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, पानी पानी के लिए नहीं, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं, पवन पवन के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं, ये सब के सब
चेतन के भोग्य हैं, चेतन के शेष हैं, और अंत में जो चेतन है वह औपाधिक धरातल पर कर्ता भोक्ता होने पर भी वस्तुतः चिद्रूप सद्रूप आनंद स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु का पर्यवसान सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा है। उस प्रत्यगात्म तत्व का बोध होने पर ही कर्तव्य का अंत हो सकता है, प्राप्तव्य का अंत हो सकता है, ज्ञातव्य का अंत हो सकता है, जीवन में कृतार्थता का संपादन हो सकता है। यह जो सृष्टि है वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। जो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को ताक पर रखकर ज्ञानिशा सर्वभूता नाम की दृष्टि से उनकी उपेक्षा कर केवल सृष्टि का जड़ वस्तु का वर्णन करते हैं, उनके जन्म का पर्यवसान मरण होता है और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा का वे उच्छेद नहीं कर पाते। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्त्र परंपरा का उच्छेद तभी संभव है जब हम अज अनादि मृत्युंजय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को जान सकें, क्योंकि हमारी चाह का वास्तविक विषय सच्चिदानंद तत्व ही है, जिसको वेदों ने सच्चिदानंद मात्रम सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म कहकर उद्भाषित किया। हम चाहते हैं कि मृत्यु के चपेट से निर्मुक्त हमको जीवन प्राप्त हो, हम मृत्युंजय अमृत स्वरूप होकर शेष रहें, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी ना पहुँच सके। हम चाहते हैं जड़ता अज्ञता के चपेट से विमुक्त होकर अखंड चिद रूप ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकें। हम चाहते हैं कि दुख की छाया से भी विमुक्त होकर अखंड आनंद स्वरूप होकर हम शेष रह सकें। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। इस बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर जो सत्चित आनंद है वही हमारा गंतव्य है, वही हमारा प्राप्तव्य है, वही हमारा तात्विक स्वरूप भी है। किसी व्यक्ति को गंतव्य का ज्ञान ही ना हो तो उसकी गति की दुर्गति मानी जाती है। गति का पर्यवसान गंतव्य तक पहुंचने में है। ठीक इसी प्रकार आजकल जितने भौतिकवादी हैं वे दिन रात प्रयत्न तो करते हैं, चेष्टा संपन्न रहते हैं, क्रियान्वित रहते हैं, लेकिन उनकी गतिविधि उनकी प्रवृत्ति या निवृत्ति सब कुछ निरर्थक है, क्योंकि उन्हें गंतव्य का ज्ञान ही नहीं है। आप टिकट देने वाले के पास जाइए, बाबूजी मुझे रेल से यात्रा करनी है, टिकट दीजिए। बाबूजी पूछ दें कि जाना कहाँ है, टिकट मांगने वाला कहे यह तो पता ही नहीं है। जाना कहाँ है यह पता ही नहीं है तो टिकट देने वाला क्या करेगा। भौतिकवादियों को पता ही नहीं है कि गंतव्य उनका क्या है, जीवों की चाह का सचमुच में विषय क्या है। ऐसी स्थिति में सज्जनों इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी प्रामाणिक रीति से विचार करें तो सनातन सिद्धांत दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर एकमात्र उत्कृष्ट है,
इसलिए श्वेता स्वतर उपनिषद का उद्घोष है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई उपाय चारा मार्ग उस परम पद को कृतार्थता को प्राप्त करने का नहीं है। अतः इस तथ्य का अधिगम होना चाहिए कि इस भौतिकवादी युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में शासन तंत्र ऐसा हो जो हमारे अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हो। हम मानवाधिकार की सीमा में पूरे विश्व को, हर वर्ग, व्यक्ति और तंत्र को अभयदान देते हुए सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का प्रशस्त अधिकार प्राप्त करें। गोवंश, गंगा, हिमालय, सती, वेद, वैदिक वाङ्मय, ये सब के सब जो हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। द्यौः शान्ति ही, इस दृष्टि से विचार करने पर पृथ्वी सुखदा हो, शस्य श्यामला हो, उसमें विकृति न आवे, वह क्षुब्ध न हो, जल भी अपने दिव्य गुण रस से संपन्न हो, वह विकृत होकर विलुप्त ना हो, दूषित ना हो, क्षुब्ध या कुपित ना हो। अग्नि, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र भी उत्तेजित ना हो, अपनी दीप्ति के द्वारा सबके लिए सुखद सिद्ध हो। पवन या वायु भी सुखद सिद्ध हो, आकाश के द्वारा प्राप्त शब्द भी सुखद सिद्ध हो। भद्रम करने भी हम भद्र श्रवण करें, हम भद्र दर्शन करें, हमारे जीवन में सर्वत्र सत्यम, शुभम, सुंदरम का सन्निवेश हो, यही वैदिक सिद्धांत है। एक विचित्र तथ्य है, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो भूत चतुष्टय हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत या सिद्धांत है, यही हमारे शरीर के मूल उपादान या मैटर हैं। इनमें विकृति आने पर, इनके क्षुब्ध होने पर, इनके कुपित होने पर हमारा जीवन भी विकृत, क्षुब्ध और कुपित हुए बिना नहीं रह सकता। तयोर व्यष्टि समष्टिता, पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। तो ऐसी स्थिति में समष्टि हित की भावना से हम कार्य करें। भगवद गीता में 5वें अध्याय में, 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक ही वचन प्रयुक्त है, सर्वभूत हिते रताः। भगवत प्राप्ति का मार्ग वे प्रशस्त कर पाते हैं जो समस्त प्राणियों के हित में रहते हैं, जो सबके हित में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करते हैं, उनका तो हित होता ही है। सबके शुभ चिंतक का शुभ होता ही है। इसके विपरीत गीता के 16वें अध्याय में एक विचित्र वचन है, जो अराजक तत्व होते हैं, आश्री संपदा से संपन्न होते हैं, उनका उद्घोष होता है, छायाय जगतो हिताः, वे जगत के हित पर पानी फेरते हैं। अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम हेतुकम, वे तो स्त्री पुरुष के संयोग से ही जीवन की निष्पत्ति मानते हैं, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनके जीवन में अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ होते हैं, और अर्थ भी अंत में अनर्थ ही सिद्ध हो पाता है,
काम भी उनके जीवन में अभिशाप ही सिद्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, चाहे अर्थ पुरुषार्थ हो चाहे काम पुरुषार्थ हो, धर्म का आलंबन लिए बिना और मोक्ष को जीवन का लक्ष्य बनाए बिना वह भी सिद्ध नहीं हो सकता। आजकल भारत में विशेषकर अन्य देशों में भी अर्थ और काम को लेकर ही शासन तंत्र के सारे प्रकल्प क्रियान्वित होते हैं, जबकि चींटी चिड़िये इन सब के जीवन में, यहाँ तक कि तरुलता गुल्म वृक्षादि के जीवन में भी अर्थ काम ये दो पुरुषार्थ तो परिलक्षित होते हैं। अनुकूल खाद पानी प्राप्त होने पर वृक्ष भी आह्लादित होते हैं, पुष्ट होते हैं। अर्थ काम तो पशुवादि शरीरों में भी सुलभ हैं, लेकिन जीवन की कृतार्थता धर्म और मोक्ष के द्वारा ही संभव है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ सभा, इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अर्जुन के व्यास से हम सबों को संकेत और उपदेश है, संदेश प्राप्त है। धर्म के अविरुद्ध अर्थोपार्जन होना चाहिए और विषयोपभोग होना चाहिए, और धर्म का पर्यवसान भी अपवर्ग में होना चाहिए। धर्मस्य हि अपवर्गस्य, श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया, और श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह वचन है, वहाँ यह भी कहा गया है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका जीवन के लिए है और जीवन जीविका के लिए नहीं अपितु जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को ही माने तो एक संकेत प्राप्त होता है, दूसरे श्लोक के तीसरे श्लोक के माध्यम से भी जीवन को एक दिशा प्राप्त होती है। स्वस्थ सत्यम परम धीमहि ध्यायेम, परम सत्य हमारा ध्येय है, हमारा ध्यातव्य कौन है, ध्यान करने योग्य कौन है, परम सत्य परमात्मा। वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, वेद्य या जानने योग्य कौन है, परमात्मा तत्व ही। और पिबत भागवतम, पान करने योग्य कौन है, भगवत तत्व ही। और गान करने योग्य कौन है, भगवत तत्व ही। ध्येय गेय ज्ञेय पेय, अगर हम परमात्मा को ही मान लेते हैं, परमात्मा का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सनातन धर्म की विशेषता है। पद्म पुराण का एक वचन है, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, कोई सज्जन आम के बगीचे में पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे थे, विधि मंत्र भावना द्रव्य के प्रभाव से उनके पितर तो तृप्त हो ही रहे थे, आम के वृक्ष भी तृप्त हो रहे थे। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा संकेत है, उपलक्षण है। हमारे यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं शास्त्र सम्मत, उससे लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, जिसे अभ्युदय कहते हैं, और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक क्रिया से तीन तीन फलों की सिद्धि होती है, लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 45वें 46वें श्लोक के अनुसार
हमने यह भाव व्यक्त किया। और एक विचित्र बात है, सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार फल चौर्य नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री ही क्यों ना हो, किसी के साथ फल को लेकर पक्षपात नहीं है। फल चौर्य सनातन धर्म में नहीं है। वेदादि शास्त्र सम्मत श्रौतस्मार्थ कर्म का भगवदर्थ जो भी अनुष्ठान करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अंत्यज हो, चाहे स्त्री हो, उसके सुख का मार्ग प्रशस्त होता है, उसकी शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नर। इसके विपरीत वेदादि शास्त्र को न मानकर ये भौतिकवादी जो केवल भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, ये जो कुछ कार्य करते हैं उनके कार्य का पर्यवसान न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। सिद्धि का अर्थ है सफलता, न तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, न लौकिक उत्कर्ष होता है, न पारलौकिक उत्कर्ष होता है, न परमार्थ का पथ ही प्रशस्त होता है। सिद्धि सुख और शांति, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हमको सिद्धि चाहिए, सुख चाहिए, परागति या शांति चाहिए, लेकिन वेदादि शास्त्रों का अनुगमन करने पर ही सिद्धि संभव है, सुख संभव है, परागति या चिर स्थिर शांति शाश्वती शांति संभव है। हमने यह संकेत किया, विकास के नाम पर जितने भौतिकवादी हैं उनका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। और विकास के नाम पर भारत में कोई भी अभियान शुरू किया जाए, यहाँ की जनता इतनी दिशाहीन हो गई है कि सर झुकाकर उस अभियान को मान लेती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता कि विकास के नाम पर हमारे जितने प्रशस्त मानबिंदु हैं सब विकृत किए जा रहे हैं, सबके सब दूषित किए जा रहे हैं, और अंत में सबके सब क्षुब्ध किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा के चार स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये विकृत हो रहे हैं, क्षुब्ध हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा आपका दायित्व है कि पहले सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता वैज्ञानिकता व्यावहारिकता को उचित दृष्टि से समझें। जो गिने चुने दो चार पूरे विश्व में जानकार रह गए हैं उनके संपर्क में आकर सनातन सिद्धांत की दार्शनिकता वैज्ञानिकता व्यावहारिक धरातल पर उपयोगिता का बोध प्राप्त करें और ऐसी स्वस्थ व्यूहरचना करें जिससे भारत का शासन तंत्र सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो सके। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्दीप्त किए हुए है, लेकिन भारत का चाहे केंद्रीय शासन तंत्र रहा हो या हो, प्रांतीय शासन तंत्र रहा हो या हो, उसमें यह क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का राष्ट्र के हित में उपयोग कर सके। हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी खा जाती है, हमारी रक्षा शक्ति भी दुर्बल सिद्ध होती है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी हमारे अब शिथिल हो गए, किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि पाश्चात्य जगत की अनर्गल मान्यता ने कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को भी दूषित कर दिया है, सेवा के प्रकल्प भी हमारे दूषित हो गए, उद्योग के प्रकल्प भी हमारे दूषित हो गए, यहाँ तक कि संविधान की आधारशिला भी हमारी अपनी नहीं रह गई और हमारे पास अपना कुछ भी नहीं रह गया। धीरे धीरे नहीं, द्रुत गति से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव त्यौहार, रक्षा सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं
उनमें विकृति का आधान किया जा रहा है। डॉक्टर इब्राहिम ने कहा था, जिन देशों में वर्ण संकरता सैकड़ों वर्ष पूर्व छा गई, वे वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने के लिए बाध्य हैं। उनके यहाँ गोत्र इत्यादि की गतिविधि भी विलुप्त है। वर्ण संकरता कर्म संकरता के चपेट में आ चुके वे उनको वैकल्पिक रीति से कर्म का निर्धारण करना ही पड़ता है। लेकिन जिन देशों में, भारत आदि जिन राष्ट्रों में परंपरा प्राप्त वर्ण व्यवस्था है, रक्त शुद्धि की दृष्टि से, कर्म विभाग की दृष्टि से, जनसंख्या को संतुलित रखने की दृष्टि से, सबको शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप में प्राप्त हो सकें और लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष ही नहीं परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, उस उपाय का आलम्बन लेना चाहिए। हमको कैसा शासन तंत्र चाहिए जो सनातन संस्कृति के अनुरूप हो। मैंने संकेत किया, अगर सनातन संस्कृति के अनुरूप जीवन हो तो जितने तंत्र हैं उन तंत्रों की उपयोगिता ही विलुप्त हो जाए। कम्युनिज्म कब तक? जब तक सनातन संस्कृति के अनुरूप हमारा जीवन नहीं तब तक। और भी जितने तंत्र हैं उनका मूल उद्गम स्थान क्या है? हमारा प्रमाद। अगर हम प्रमाद का परित्याग कर दें, वेदादि शास्त्र सम्मत वैदिक प्रामाणिक आचार्य सम्मत रीति से हम शिक्षा रक्षा कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य न्याय सेवा उद्योग विवाह आदि के प्रकल्प को क्रियान्वित करें तो जितने तंत्र हैं विश्व में उन सब तंत्रों की उपयोगिता अपने आप विलुप्त हो जाए। हमारा प्रमाद ही हमको प्रकारांतर से चुनौती देने में समर्थ है। अभी आपको पता होगा, वर्मा पड़ोसी देश, वहाँ के लामा बौद्ध लामाओं ने देखा कि नरभक्षी मनुष्य बौद्धों को लामाओं को काट कर खा जाते हैं, तो हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कैसे करें? तब उन लामाओं को कहना पड़ा, यद्यपि हम अहिंसा के पक्षधर हैं लेकिन जो अहिंसा हमारे अस्तित्व और आदर्श को ही विलुप्त कर दे उस अहिंसा को हम इस समय नहीं अपना सकते, अतः क्षात्र धर्म को, वैकल्पिक क्षात्र धर्म को अपनाना चाहिए। तब नरभक्षी मनुष्य भयभीत हुए। इसका अर्थ क्या है? अंत में बौद्धों को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए वेदोक्त रक्षा की प्रणाली को वैकल्पिक ढंग से सही अपनाने के लिए उत्सुक और बाध्य होना पड़ा। भारत की 5 मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि की, उन्होंने उनकी दृष्टि में 1400 वर्षों से जो 3 तलाक के नाम पर विकृति थी उसके विरोध में अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद की, अपना स्वर उन्होंने उद्घोषित किया। उनके सामने आदर्श क्या था? सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ मातृशक्ति का सम्मान। अंत में वे सफल हुई, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको न्याय दिया। अब लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से भी उनके अनुकूल संविधान बनेगा। उन मुस्लिम देवियों ने जो स्वर बुलंद किया उन्हीं के शब्दों में, उन्होंने ऐसी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की?
सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के यहाँ जो मातृशक्ति का सम्मान है वो उनके सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत था। इन दो दृष्टांतों के बल पर डंके की चोर से यह तथ्य ख्यापित होता है कि अगर शासन तंत्र देश के ऊपर और अपने ऊपर अनुग्रह करके सनातन परंपरा प्राप्त विधा को क्रियान्वित रहने दे और विलुप्त प्रक्रिया को उद्भासित करे तो क्या होगा, किसी भी तंत्र से हमको लोहा नहीं लेना पड़ेगा। हमको आदर्श मानकर चाहे मुस्लिम तंत्र हो, चाहे क्रिश्चियन तंत्र हो, चाहे कम्युनिस्ट तंत्र हो, ये सब के सब तंत्र अपनी परंपरा में, उनकी परंपरा में जो कुछ अंधता है, अंधानुकृति है, उसको विलुप्त करने में क्रांति का परिचय देकर सफल हो सकते हैं। अब तक के प्रवचन का सारांश यह निकला कि हमको प्रयास करके सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो परंपरा प्राप्त विज्ञान है, चाहे भोजन संबंधी हो, वस्त्र संबंधी हो, आवास संबंधी हो, शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय संबंधी हो, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए और अंत में देश के विभाजन के बाद जो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई उस पर ध्यान केंद्रित करके विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए था, जैसा होना चाहिए था मानवाधिकार की सीमा में, उस प्रकार के भारत की संरचना का प्रयास करना चाहिए। मैं इस दिव्य प्रांगण क्षेत्र से उद्घोषित करता हूँ कि भारत का केंद्रीय या प्रांतीय स्तर का ही शासन तंत्र क्यों न हो, वह सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अपने दल में अपेक्षित शोधन करे। प्रायः जितने राजनीतिक दल भारत में हैं, कांग्रेस और भाजपा के अतिरिक्त वे गुप्त या प्रकट कांग्रेस और भाजपा के ही पक्षधर हैं। अगर कांग्रेस और भाजपा में किसी एक दल ने बुद्धि का उपयोग करके, सत्य सहिष्णुता का उपयोग करके, राष्ट्रभक्ति का उपयोग करके अपने दल में अपेक्षित शोधन कर लिया तो शेष दूसरा दल भी शोधन करने के लिए उत्सुक और बाध्य होगा। मैं एक संकेत करता हूँ, हम भी दिन रात बोटी बोटी गलाते हैं राष्ट्र के लिए, और जो ईमानदार राजनेता हैं वो भी राष्ट्र के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है? व्यास पीठ के जो हम आचार्य हैं, जो किसी भी दल के गुप्त या प्रकट प्रचारक नहीं हैं, दलगत राजनीति से, पंथ और पार्टी से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। हमारे पास परंपरा प्राप्त 1,97,49,49,117 वर्षों का ज्ञान विज्ञान है। तो वे राजनेता, विशेषकर आजकल जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री हैं, इनका दायित्व होता है हमसे संपर्क साधें और बैठकर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से भारत को भारत के रूप में स्थापित करने के लिए जो भी उचित कदम हो उसे उठाने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं एक संकेत भी करता हूँ, एक बार की घटना है, याद आ गई। मैं श्री वृंदावन धाम में रहता था, जहाँ तक मुझे ध्यान है सन 76 की घटना हो सकती है, 1976 की। ऊपर के जिस कक्ष में रहता था, सीमेंटेड भूमि नहीं थी, ईंट तो
ईंट से कमरा तो बना था फर्श, लेकिन उस पर सीमेंट नहीं लगाया गया था। तो छोटी छोटी काटने वाली पिपील का चीटियाँ बहुत काटती, बहुत परेशान करती, पूरा देश सूज जाता। तो मैंने सोचा कि इन चीटियों को मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनका उपद्रव भी शांत होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, धीरे से जल लिया, हल्का सा छींटा, सींचा, ताकि वो चीटियाँ मरे नहीं और बिल छोड़ के भग जाएं। चीटियाँ भगने लग गईं। उसके बाद मैंने गीली चिकनी मिट्टी लेकर उस बिल को भर दिया। अब चीटियाँ हमसे कुश्ती तो लड़ नहीं सकती थी। उन चीटियों ने क्या किया, आश्चर्य की बात है, वो सब के सब दीवार के सहारे ऊपर पहुंच गईं, 50 लगभग चीटियाँ। और वहाँ से उन्होंने देखा बीच कमरे में, जहाँ उनके बिल को, छिद्र को, निवास स्थल को मैंने चिकनी मिट्टी से पोत दिया था, भर दिया था, वहाँ से वो कूदने लगी। संकेत क्या किया, वो मरी नहीं, हल्की होती हैं, कि मैं हम आत्महत्या कर लेंगी अगर हमारी जगह आप हमको नहीं दोगे तो। सत्याग्रह का यशो मेरी आंखों के सामने है। तब मैंने कहा कि तुम जीत गई, मैं हार गया। फिर मैंने नीम होते ना, नीम, उसका एक छड़ी ली छोटे से, और धीरे धीरे चिकनी मिट्टी से, गिल्ली मिट्टी से जो मैंने उनका बिल बंद कर दिया, हटा दिया, हाथ जोड़कर कहा कि तुम रहो, भले ही मैं इस कमरे में न रह पाऊँ। लेकिन चीटियों ने क्या कृपा की, वो कमरे में रहती तब से उन्होंने काटना बंद कर दिया। समझ गए, ये घटना है, बिल्कुल इसमें नमक मिर्च नहीं है। इसका अर्थ क्या है, जिन चीटियों को हम कुछ नहीं गिनते, वो भी एक सहृदय व्यक्ति को सत्याग्रह के माध्यम से नतमस्तक करने के लिए बाध्य कर सकती हैं। तो जब हम किसी वर्ग को किसी कारण दुर्बल समझकर उसके अस्तित्व आदर्श पर प्रहार करते हैं, उस वर्ग में हर व्यक्ति कायर उत्पन्न नहीं होता। अंत में क्या होता है, वह वर्ग पहले उचित ढंग से, नहीं तो आपातकालिक विधा के अनुसार अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए क्रांतिकारी बन जाता है। संकेत समझ गए, मान लिया कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में छल बल डंके की चोट से केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को दबाया है, एक नंबर का नागरिक भी नहीं रहने दिया, उनके सर्वहितप्रद किसी भी मान बिंदु को सुरक्षित नहीं रहने दिया, लेकिन इतना अत्याचार, विभाजन के भारत में हिंदुओं के प्रति इतना अन्याय, आखिर हिंदू कब तक सहेगा। मैं एक संकेत कर रहा हूँ 25 वर्षों से, आखिर मैं तो नहीं, कोई ना कोई जब देखेगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालता है व्यक्ति, कि जब हम किसी भी तरह अनुनय विनय करके भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा नहीं कर सकते, तो प्राणों को हथेली पर लेकर भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए हमको कटिबद्ध होना चाहिए। मैं विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियन तंत्र से बहुत आत्मीयता के साथ, क्योंकि जगत गुरु के पद पर मैं प्रतिष्ठित हूँ, कदाचित मुझे शंकराचार्य का पद सुलभ ना होता तो भी मेरा विचार इतना ही उदात्त था और होता। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, विभाजन के भारत में अब तक 3-3 मुसलमान सज्जन राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति हुए हैं या नहीं, हिंदुओं ने इतनी उदारता का परिचय मुसलमानों के प्रति दिया या नहीं, एक राष्ट्रपति कुछ महीने पहले तक, एक मुस्लिम सज्जन कुछ महीने पहले तक भारत के उपराष्ट्रपति थे, अनेकों मुसलमान सज्जन अब तक मुख्यमंत्री, राज्यपाल इत्यादि हुए हैं, और बीपी सिंह जी के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन भारत के गृह मंत्री थे, जिनकी बेटी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है,
नरसिंह राव के शासनकाल में एक मुसलमान सज्जन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हमने जो विभाजन के बाद के भारत में मुस्लिम तंत्र को इतना स्नेह और सम्मान दिया है, क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब राष्ट्र, हिंदू जो वहाँ रहते हैं उनको इतनी उदारता का परिचय, स्नेह का परिचय, सम्मान का परिचय दे सकता है? या जो हमारी उदारता है इसे कोई दुर्बलता न समझे। मुसलमान सज्जन अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं संकेत करता हूँ, भारत में पारसी भी रहते हैं या नहीं? टाटा इत्यादि पारसी तो हैं। विश्व में पारसियों को कोई स्थान नहीं दे रहा था। द्वारका के उस समय के शंकराचार्य और यादव राजा ने अतिथि देवो भव के सिद्धांत को क्रियान्वित करते हुए हमारे अस्तित्व आदर्श पर आप आघात न करें, आप अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करें, इस दृष्टि से पारसियों को स्थान दिया। आज भी पारसी जब प्रार्थना करते हैं सभा के पूर्व तो शंकराचार्य और मान्य यादव राजा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमारे अस्तित्व आदर्श पर आघात नहीं किया। ये दक्षिण भारत है, केरल क्षेत्र में कालीकट नामक स्थान है। ईसा मसीह जी के अनुयायियों को कई स्थान विश्व में नहीं मिल रहा था। अतिथि देवो भव इस सिद्धांत की रक्षा के लिए हमने उनके शिष्यों अनुयायियों को स्थान दिया। लेकिन अब वो अगर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने में अतिथि देवो भव हमारे इस उदात्त सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग माना जाएगा। इसलिए जब मुस्लिम सज्जन आक्रांता बन के भारत में आए थे तब बात दूसरी थी, जब वो अतिथि बन के आए हमने दिल्ली में उनको स्थान दिया। हिंदुओं की उदारता विश्व स्तर पर विदित है। हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम सर्वम खलुदम ब्रह्मम स्वस्त्यस्त विश्वस्त के पक्षधर हैं। हमारी उदारता को विश्व दुर्बलता न समझे और शासन तंत्र स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करे। इस भावना के साथ प्रवचन को विराम। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ जी।